मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डिलाइट। इसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर मिल्क में 3 कप मैंने ये इसमें रख लिया है और 1 कप में मैंने तकरीबन 60 ग्राम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को मिक्स करके यहाँ पे रख लिया। 1 पैकेट आपको इसमें स्ट्रॉबेरी जेली का चाहिए होगा। 8 टेबलस्पून आपको इसमें शुगर ऐड करनी होगी। गार्निशिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को स्लाइसेस में काट लिया है और ये इसका डिलाइट बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को क्यूब्स में काट लिया। ठीक है, 1 पैक आपको क्रीम चाहिए होगी। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर लें, मैंने ऑलपर्स की यूज़ की, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 4 या 5 आपको स्ट्रॉबेरी कप केक चाहिए होंगे। आप इसकी जगह पे स्विस रोल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रॉबेरी कप केक और स्विस रोल ना मिले तो आप इसकी जगह पे बिस्किट यूज़ करके साथ में स्ट्रॉबेरी का सिरप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 3 कप मिल्क को बॉइल करेंगे और 1 कप मिल्क में जो हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को ऐड किया था इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ में स्ट्रॉबेरी कप केक जो हमारे पास मौजूद थे इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। दूध हमने बॉइल कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। मैंने आपको बताई थी कि हमें शुगर चाहिए 8 टेबल स्पून, तो ये मैंने 8 टेबल स्पून काउंट करके यहाँ पर रख लिए। तो ये मैं 8 टेबल स्पून शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। आंच आपने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच में आपने इसको अच्छे से कुक करना है। शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए मिल्क की। हमने मिल्क में कस्टर्ड को ऐड करके रख लिया था। जब तक हमारा मिल्क बॉईल होता है तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी गुठली ना हो। आपने रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है, फीडबैक देना है मुझे आपका ये कस्टर्ड डिलाइट कैसा बना, आपको कैसा लगा। ये लीजिए, हमारा अच्छे से तकरीबन मिक्स हो चुका है और साथ में हमारी जो शुगर थी वो भी दूध में अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड का लिक्विड जो हमने ऐड बनाया था वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन हम जैसे जैसे कस्टर्ड को मिल्क में ऐड करेंगे वैसे वैसे हमें स्पून को उसमें हल्के से चलाते रहना है। ये आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से इसमें बबल्स ना बनने शुरू हो जाए और ये ठीक हो जाए, इतना आपने इसको पकाना है। हमारा कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसे अब हम बॉल में निकालेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। राउंड अबाउट 20 to 30 मिनट्स अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। कस्टर्ड बनाते हुए अपना ख्याल रखना है। मिल्क जो आप यूज़ करेंगे वो फुल क्रीम मिल्क हो, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। अगर फुल क्रीम मिल्क नहीं होगा तो टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम एक पैन में हम तकरीबन 1 कप पानी मैंने लिया है। मेरा पास है 250 ml कप है। मैंने तकरीबन ये 1 कप 250 ml पानी लिया है। इसको हमने अच्छे से पकाना है, बॉयल आने देना है। जब जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम जेली का पैकेट इसके अंदर डालेंगे और मुस्तकिल उसमें चम्मच चलाएंगे जब तक वो अच्छे से उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाती। हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये देखें, हमारे बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब हम इसमें जेली को ऐड करके 7 चम्मच चलाते जाएंगे। हमने इसको अच्छे से इसमें डिसॉल्व करना है। चम्मच आपने इसमें मुस्तकिल चलाना है, अदरवाइज आपकी जेली ख़राब हो जाएगी। देखिए, जेली हमारी रेडी है। तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, स्टोव को बंद करेंगे और उसमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी, लेकिन इतनी ठंडी कि जब हम उसको अपने कस्टर्ड के ऊपर फैलाएंगे तो हमारे कस्टर्ड की लेयर ख़राब नहीं हो। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे और इसमें स्ट्रॉबेरी की जो हमने क्यूब्स, स्ट्रॉबेरी को जो हमने क्यूब्स में काटा था इसमें हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। मैंने स्ट्रॉबेरी इतनी ली है, अगर आपको इससे ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं वो कस्टर्ड में शुगर इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जितने शुगर मैंने ऐड की है ये इनफ है 60 ग्राम कस्टर्ड के लिए। ये देखें मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें। अब हम इसको यहाँ रखेंगे और इसके साथ अब हम जो हमारा ये देखें कस्टर्ड अच्छे से जम के, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ख्याल रखें, याद रखें कस्टर्ड अच्छे से ठंडा होना चाहिए। हम इसके ऊपर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी का जो हमने केक थे, स्ट्रॉबेरी केक को मैश कर लिया था अच्छे से, इसको अब हम इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। अच्छे से आपने इसको कवर करना है। अब हम इसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी और क्रीम की जो मिक्सचर था इसे हम फैला देंगे अच्छे से। ये देखें क्रीम की लेयर हमारी अच्छे से उसके ऊपर सेट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेयर में दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे, अच्छे से इसको सारे में स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर फिर से हम एक लेयर कस्टर्ड की डालेंगे। आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। हमारी ये देखें लेयर्स अच्छे से रेडी हो गई हैं। स्ट्रॉबेरी के जो हमने स्लाइसेस कट किए थे उसे हम यहाँ पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो जेली है जो हमने बनाई थी हमने उसको मुकम्मल तौर पे जमने नहीं दिया। ये इस तरह से आप सारे में जेली को स्प्रेड कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी देकर आऊँगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डिलाइट रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।